बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वेलकम टू योर सेकेंड ऑनलाइन लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग आवर सेकेंड लेक्चर, हम लोग एक रीकैप ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपनी कोर्स आउटलाइन को देखा था, हम लोगों ने इस सेमेस्टर में जितने भी मॉड्यूल्स कवर करने हैं, उन हर मॉड्यूल के फर्दर जो जो एलिमेंट्स हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि इस सेमेस्टर के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सब्जेक्ट के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देन उसके बाद हम लोगों का जो फर्स्ट मॉड्यूल था, जो हम ऑलरेडी फिजिकल क्लासेस में भी पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, उसी को हमने कंटिन्यू किया था। और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की अम्ब्रेला के अंडर हम लोगों ने मैनेजरियल स्किल्स को डिस्कस किया था। हमने देखा कि कौन कौन सी मेन मैनेजरियल स्किल्स हैं जो एसेंशियल हैं। हमने लाइक कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और तमाम स्किल्स का हम लोगों ने फिर एक कंपैरिजन भी देखा कि कौन सी टाइप के मैनेजर्स में कौन सी स्किल्स की रेशो कितनी होती है, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनमें कौन सी स्किल्स टेक्निकल ज़्यादा होती हैं या एचआर ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद आर टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर की आउटलाइन ये है कि आज हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के ही मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स रह गए थे वो हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप क्या है, लीडर कौन होता है, लीडर के मेन एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें हम लीडरशिप से रिलेटेड सारी आज के लेक्चर में कवर करेंगे। देन हम लोग मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हो गया, अब हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे कि मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है, एक मैनेजर का बिहेवियर कैसा होता है और एक लीडर का स्टाइल क्या है, तो हम ये चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ठीक, और लास्टली हम लोग मैनेजमेंट के जो चार मेन फंक्शंस हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है आपकी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंटरप्राइज है, देर आर सम कॉमन फंक्शंस। ठीक है, जो आपको हर इंडस्ट्री में नज़र आएंगे, तो हम इस फ्रेमवर्क के अंडर वो डिस्कस करेंगे, दैट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे। फाइन, सो दैट वॉज आवर आउटलाइन। लेट्स स्टार्ट लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस अदर्स टू अकम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि किसी भी काम करने के लिए आप जब दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस गोल के लिए आप लोग स्ट्राइव कर रहे होते हो, और आप दूसरे जो आपका आपके आपका ग्रुप है, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में लीडरशिप का बहुत ज़्यादा रोल है। हम पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, फिजिकल क्लासेस में हमने हैराज एंटरटेनमेंट की हम लोगों ने केस स्टडी देखी, ज़ीरोक्स की सीईओ को हमने डिस्कस किया। तो लीडरशिप जो है ना, आपके गोल्स को अचीव करने में, अकम्प्लिश करने में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल। तो ये लीडरशिप का जो प्रोसेस है, इसको कौन कैरी करता है? लीडर्स इसको कैरी करते हैं। ठीक है, लीडर्स जो हैं वो इस प्रोसेस को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लीडर कौन है। सो लीडर कौन है? लीडर इज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। लीडर आपको इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रिकेट टीम का कैप्टन, आपकी यूनिवर्सिटी के VC, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के CEO, किसी डिपार्टमेंट के हेड, ये सब क्या कर रहे होते हैं? ये उनके अंडर जो लोग, क्योंकि देखें ये जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी कंपनीज हैं, ये वन मैन शो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान, कहीं भी ऐसा नहीं होता, वो आपका घर है, वो आपका बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, कि एक इंसान ही सारे काम बहुत अच्छे से कर ले और
गोल्स अचीव कर ले, पूरी टीम होती है, मिल के सब काम करते हैं, फाइन, तो आपका लीडर जो है वो अपने अंडर उसके जितने लोग काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी से उस काम को, ज़्यादा एफिशिएंटली उस काम को कर सके। तो अब लीडरशिप जो है वो हमारे पास फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल लीडरशिप कौन सी होती है? फॉर्मल लीडरशिप जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को ऑफिशियली एक डिजिग्नेशन असाइन कर दी जाती है एज अ लीडर। फॉर एग्जांपल अगेन किसी भी कंपनी के सीईओ या एक क्लास की टीचर, लाइक हम आप लोगों को लीड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल की टीचर, किसी कॉलेज की टीचर, किसी स्पोर्ट्स की कोई भी गेम है उसकी टीम की का लीडर, कैप्टन, किसी डिपार्टमेंट का हेड, ये कुक सब कौन है? ये फॉर्मल लीडरशिप के अंडर आता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऑफिशियली एक डिजिग्नेशन असाइन है। और फॉर्मल जो लीडर है ना, उसकी ड्यूटी में ये आता है कि वो क्या करे, वो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करे, तमाम जो मेंबर्स हैं उनको टास्क असाइन करे, ताकि वो अपनी जो भी उनकी एबिलिटीज हैं उनको ज़्यादा अच्छे से वो यूटिलाइज कर सके। उनको लीडर मोटिवेट करता है अपनी मैन पावर को, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो काम कर सके। अब इनफॉर्मल लीडर्स कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लीडर्स वो जो आपके जिनको ऑफिशियली वो डिजिग्नेशन असाइन नहीं होती, लेकिन उन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसको इंस्पायर करते हैं, उससे मोटिवेशन लेते हैं और उसको फॉलो इस वजह से करते हैं, ठीक है। लाइक सीईओ तो हो गए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हो गए, वो एक फॉर्मल लीडर है, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो हैं उनमें से कोई एक एम्प्लॉई है जिसको बाकी मानते हैं कि इसका नॉलेज हमसे ज़्यादा अच्छा है, इसका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है और ये ऑनेस्ट भी बहुत है, हमारे साथ सिंसियर भी है, हमें अच्छे सजेशंस देता है, तो वो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है इस तरह का लीडरशिप स्टाइल जो है ये इनफॉर्मल लीडरशिप में आता है, ठीक है। वेदर इट्स फॉर्मल लीडरशिप और इनफॉर्मल लीडरशिप, एक लीडर वो होता है जो खुद पहले आगे जाता है, ठीक है, खुद वो काम करता है, एग्जाम्पल सेट करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है कि देखें मैंने ये काम किया ना और मैंने अपना 95% अचीव कर लिया, तो तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो लीडरशिप में जो लीडरशिप की पोजीशन पे जो लोग होते हैं या लीडर्स जो होते हैं उनका उनकी कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए उस गोल से जो उन्होंने अचीव करना है, ठीक है। जब तक आप लोग कमिटेड नहीं होते ना किसी चीज़ के लिए, ना आप खुद वो चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, ना दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। फादर का बिजनेस है, आपने मजबूरन सबके फोर्स करने पे वो स्टार्ट तो ले लिया, लेकिन आप उतनी कमिटमेंट के साथ उसको नहीं कर पाएंगे, आप कमिटेड नहीं हो उसके साथ, तो आप वो रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आपके अंदर वो पैशन नहीं होगा। एक जो लीडर होता है ना वो अपने गोल के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है उसके लिए, ठीक। तो ये तो हो गया लीडर के बारे में। अब जो एक इफेक्टिव लीडरशिप है ना वो इन तीन एट्रीब्यूट्स के बगैर कंप्लीट नहीं है। यू कैंट बी एन इफेक्टिव सक्सेसफुल लीडर विदाउट दीज थ्री पीज। इनको मोस्टली थ्री पीज ऑफ लीडरशिप भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? पैशन, पर्पस एंड प्रोटेक्शन। तो वन बाय वन देख लेते हैं पैशन क्या है। जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं तो आपको एंड रिजल्ट्स की परवाह होती है, उससे रिलेटेड लोगों की गोल्स की, ऑब्जेक्ट्स, अपनी पूरी टीम की परवाह होती है, ठीक है। आप लोग बड़े केयरफुल होते हैं सब कामों को करने में, क्योंकि आपने वो अपना गोल अचीव करना है, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आप लोग बड़े पैशनेट हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप हर असाइनमेंट, हर क्विज, अपने हर एग्ज़ाम को आप लोग बड़ा पैशनेटली लोगे। आप लोग खुद से बहुत सी चीज़ें सीख रहे होगे, लेकिन जब आप लोग बाय फोर्स आए हो, किसी के फादर ने बोल दिया कि जी मेरा बेटा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा या मेरी बेटी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी, किसी की दोस्त जो है उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो आपने भी कहा कि जी चलो अब दोस्त जा रही है तो मैं अकेली क्या करूँगी। तो अगर आप इस तरह आए हो, आपका वो पैशन नहीं होगा अपने गोल से रिलेटेड, उस डिग्री से रिलेटेड, तो आप लोग असाइनमेंट्स, क्विजेज, एग्ज़ाम्स, मतलब आप लोगों को रिजल्ट्स की परवाह नहीं होगी कि जो भी चलो हो गया हो गया, जैसा भी रिजल्ट आ गया आ गया, आपको एंड पे क्या होगा उससे रिलेटेड कोई परवाह नहीं होगी। तो जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो, कोई वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव आपका पैशन होता है, तो आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल और होता है। आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, आपका ऑनेस्टी लेवल, कमिटमेंट उस गोल के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली बात कि पैशन होना चाहिए लीडर के अंदर उस गोल से रिलेटेड। सेकेंड, पर्पस। जब पर्पस क्लियर होता है, आपको पता होता है कि मैंने ये काम करना है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, तो आप बहुत क्लियर होते हो, ठीक है। जब लीडर को पता है कि उसने अपनी टीम, उसका पर्पस क्या है, तो वो बहुत क्लियर होगा और वो बहुत क्लियर वे में, ज़्यादा रियलिस्टिक वे में, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगी उसकी अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो हवा में बोल रहा है कि हाँ जी मैं भी ऐसा कर लेते हैं या मैं भी वैसा हो जाए, ऐसा नहीं। वो बहुत क्लियर होगा, उसके पास बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे कि हमने ऐसे ऐसे ये काम करना है टू अचीव आर ऑब्जेक्टिव, ठीक। थर्ड पी इज प्रोटेक्शन, कि जब आप अपनी टीम के साथ हो तो टीम प्रोटेक्टेड फील करे। लाइक जैसे देखें, सारे प्लेयर्स बड़े अच्छे से प्रिपेयर हैं अपने मैच के लिए, लेकिन जब तक कैप्टन नहीं आता इनसिक्योर फीलिंग होती है। या कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, आप एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप लोगों का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जो डिलीवरी डेट है उस पर वो प्रेजेंट नहीं है या लेट है सॉरी, तो जब तक वो आ नहीं जाएगा एक इनसिक्योरिटी आपको फील होगी। कि लीडर होता ना तो ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हैं। घर की एग्जांपल ले लें, जैसे ही फादर क्या होते हैं, मदर लीडर, दे आर लीडर्स ना, तो जैसे ही आपके फादर आपके इर्द गिर्द हों आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड, ज़्यादा सपोर्टिव फील करते हो, ठीक है। तो ये तीन पीज हैं, पैशन, पर्पस, प्रोटेक्शन। जब ये तीनों चीज़ें एक लीडरशिप स्टाइल के अंदर होती हैं तो लीडर हमेशा अपनी टीम को सक्सेस की तरफ, अपर डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। सो दे आर वेरी एसेंशियल पिलर्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडरशिप। सो मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हमने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं कि मैनेजमेंट और लीडरशिप में कहीं कहीं ये चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, एक मैनेजर और एक लीडरशिप के स्टाइल में क्या डिफरेंस है। तो मैनेजर जो है ना, मैनेजर गिव्स यू डायरेक्शन, जो मैनेजर होता है वो आपको डायरेक्शंस देता है, वेयर एज लीडर्स आस्क यू क्वेश्चंस, वो आपसे पूछता है, फाइन। मैनेजर्स जो है दे हैव सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स के अंडर लोग काम करते हैं, जबकि लीडर को देखें तो लीडर्स हैव फॉलोअर्स, लोग उसको फॉलो करते हैं विलिंगली। मैनेजर्स यूज एन अथॉरिटेरियन स्टाइल, अथॉरिटी वाला स्टाइल होता है ना, पावर वाला। लीडर्स हैव अ मोटिवेशनल स्टाइल, लीडर आपको मोटिवेट कर रहा होता है। मैनेजर्स टेल यू व्हाट टू डू, करना क्या है, ऑर्डर दिया ये काम आपने करके लाना है। एंड लीडर्स शो व्हाट टू डू,
वो आपको रास्ता बता रहा होता है। मैनेजर हैव गुड आइडियाज, और लीडर का क्या है, लीडर्स इम्प्लीमेंट गुड आइडियाज। मैनेजर के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा होता है, लीडर कर भी रहा होता है और करवा भी रहा होता है। नेक्स्ट, मैनेजर्स रिएक्ट टू चेंज। जब कोई इशू आया, कोई चेंज इन्वायरमेंट में आया, मार्केट में कोई चेंज आया, आपके कस्टमर ने कुछ डिमांड किया, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लाइक कोविड का क्राइसिस आया, तो मैनेजर्स ने, हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिएक्ट किया, चेंजेस लेके आए। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ गए। वेयर एज लीडर्स क्रिएट चेंजेस, लीडर चेंज लेके आता है, वो रिएक्ट नहीं करता। मैनेजर्स ट्राई टू बी हीरोज, जबकि लीडर्स जो है मेक्स हीरोज ऑफ एवरीवन अराउंड देम। वो अपने इर्द गिर्द जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, सबको फील कराता है कि यस यू कैन डू दैट। आप जो है ना, आप में है वो एटीट्यूड, आप में है वो स्पार्क, वो आपको हीरो फील करा रहा होता है। मैनेजर्स एक्सरसाइज पावर ओवर पीपल, मैनेजर अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों पे कर रहा होता है। वो अगेन हमने कहा ना, एक अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है उसका। वेयर एज लीडर्स डिवेलप पावर विद पीपल, वो लोगों को पावरफुल कर रहा होता है, वो आपको मोटिवेशन लेवल पर लेके जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारा है PLC फ्रेमवर्क। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप लोगों की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो कोई भी इंडस्ट्री है, सब में जो चार फंक्शंस है ना, वो कॉमन है। हमें हर जगह पे चार फंक्शंस लाजमी नज़र आएंगे मैनेजमेंट में। कि तो मैनेजमेंट के चार फंक्शंस क्या हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब वन बाय वन इन सबको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये है क्या। प्लानिंग सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग में हमारा डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड मिशन आ जाता है। हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ देखना चाह रहे हैं, मिशन क्या है, उसके लिए क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिर उस विजन और को अचीव करने के लिए हम लोग अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे। देन आप लोग जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्कूल है और मैं चाह रही हूँ कि हाँ जी इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं इसको कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जाऊँगी। तो ये विजन है मेरा, मैं एक ख्वाब देख रही हूँ अपने स्कूल के लिए। तो उसके लिए, उस विजन को, मिशन को अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करूँगी। ठीक है कि एक माह बाद मैंने ये सारे गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। 6 मंथ्स बाद मैं इस पोजीशन पे होनी चाहिए, उसके लिए मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। 1 साल बाद हम ये अचीव कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है स्ट्रेटेजाइजिंग। हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं उस विजन को अकम्प्लिश करने के लिए, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी एक पूरी प्लान करते हैं कि हम ये कैसे करेंगे साथ। ठीक, और प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव गोल्स, उन गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे उसके लिए प्लानिंग करते हैं, और स्ट्रेटेजी को कैसे अचीव करेंगे उसके लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक, अब हमारे पास प्लानर्स जो होते हैं ना, वो मोस्टली जो है, वो क्या होता है कि वो लाजमन आपके मैनेजर्स होते हैं, जो कि अपने इन्वायरमेंट से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट से जो भी वो
सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही हो उससे बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं और इफेक्टली वो उस सब को एनालाइज कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास प्लानर्स हैं वो दे आर मैनेजर्स। तो अब डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास प्लानिंग्स होती हैं, लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। अब आपके पास मेरा क्वेश्चन, आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है। ये आप लोगों का टास्क है, आपने रिमार्क्स देने हैं। फाइन, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजर ने वर्क प्लान बना लिया कि क्या करना है। अब नेक्स्ट फेज हमारे पास क्या आ जाता है मैनेजमेंट साइकिल में, कि आपने जो भी आपकी मैन पावर है, जो भी लोग आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उन सब को ऑर्गेनाइज करना है ताकि आप लोग इफेक्टिवली अपने प्लान को कैरी आउट कर सको। जी, अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आ जाता है, आप लोग फॉर्मुलेट करते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज आप लोग एलोकेट करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन आप बताते हो, रिसोर्स एलोकेशन में आप लोग बताते हो किस किस इंडिविजुअल को क्या क्या रिसोर्सेज दिए जाएंगे, इनका मार्केटिंग का काम ज़्यादा है, इनको पिक एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड या कन्विंस भी इनको इतने आवर्स ऑफिस टाइमिंग में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, प्लान डिपार्टमेंट वालों को ये रिसोर्सेज चाहिए, ठीक। तो ये सारा कुछ आप ऑर्गेनाइजिंग में कर रहे होते हैं। देन जॉब डिज़ाइन, यहाँ पे हर इंडिविजुअल की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो आप लोग असाइन करते हो, किस किस इंडिविजुअल ने क्या क्या काम करने है, ये सब यहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में ही डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लीडिंग। जैसे जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं, ठीक है, एक स्कूल था फाइन या प्राइमरी स्कूल था फाइन, फिर वो और डेवलप हुआ, ठीक है, मैट्रिक तक चले गए थे, फिर वो कॉलेज बन गया, फिर पहले जस्ट इंटर था, फिर ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं ना, ठीक है, आप स्कूल में थे और सिचुएशन थी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, चीज़ें जब ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं तो सिस्टम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन की और कंट्रोल करने की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, आपको चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, आपको एक लीडर की ज़रूरत होती है जो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके और अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर सके। लीडरशिप में आ जाता है लीडरशिप एंड डायरेक्शन, आप लोगों को लीड कर रहे होते हो, उनको डायरेक्शन बता रहे होते हो कि किस तरह काम करना है, आप वेरी इंपॉर्टेंट आपने मैन पावर को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट कर रहे होते हो ताकि वो अपना 100% दे सकें, आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो, लीडर जो है एक या लीडिंग में आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो, कम्युनिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली जो जहाँ पे इस पे बहुत से सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के फेलियर या सक्सेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कम्युनिकेशन पे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन को ब्लड ऑफ प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ये सब कुछ हमारा आ जाता है फोर्थ फंक्शन के अंडर, दैट इज लीडिंग। देन लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैनेजर्स जो है वो हर जिस लेवल के भी मैनेजर्स हैं, वो टॉप मैनेजमेंट है, वो मिडल मैनेजमेंट है, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, वो हर वक्त किसी न किसी हद तक कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपनी जॉब में जिस भी सिचुएशन में वो किसी न किसी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंट्रोलिंग में आ जाता है प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स, इनको आप कंट्रोल स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है, प्रोसेसेस को देख रहे होते हो, रिव्यू एंड एवेल्युएशन
अगेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए रिव्यू एंड जब तक एवेल्युएशन नहीं होगी चीज़ों की क्वालिटी कैसे ऊपर जाएगी। आपको पता हो कि आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना, आप लोगों की कोई असाइनमेंट्स नहीं, कोई क्विजेज नहीं, या असाइनमेंट्स की एवेल्युएशन नहीं होगी, आपकी एग्ज़ाम्स की एवेल्युएशन नहीं होगी, तो आप लोग इस तरह पढ़ते जिस तरह अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो रिव्यू एंड एवेल्युएशन दे आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए। करेक्टिव एक्शंस, हाँ, जहाँ पे इश्यूज हैं आप उनको ठीक करें, ये सब आता है कंट्रोलिंग के अम्ब्रेला के अंडर। सो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। आप वाइंड अप कर लेते हैं जल्दी से कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के मॉड्यूल की जो एलिमेंट्स कंपोनेंट्स हमसे रह गए थे हमने वो कवर किया। हम लोगों ने आज देखा कि लीडरशिप क्या है, लीडर कौन है, एक लीडर के एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने मेन एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए। हम लोगों ने मैनेजमेंट और लीडरशिप का कंपैरिजन किया एंड वी डीप डाइव इनटू POLC फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट के जो चार मेन फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग हमने उनको डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह पाक ब्लेस यू। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इशू है आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं ग्रुप में, या कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आई और इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।